गाइस, और जैसे कि आप लोग ने लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग कहीं पे बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बस निकल ही रहे थे। ये पूरा गीला है, अपन सूखा है। तो मत ले, ये लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसको धूल लगा था, तो कल मैंने इसका वो कवर निकाल के धो दिया था, बट अभी तक पूरा गीला है, तो ये यूज नहीं कर सकते। ये पिलो कवर कुछ काम का नहीं है, सूख जाएगा ना 2 मिनट में। कैप के बाहर ऐसे लेके सुखाओ। तो चलो, अभी सारे बैग्स हम लोग ने बाहर तक लेके गए हैं। मैंने अकेली नहीं, तूने, ठीक है। और घर पे सब कुछ हम लोग ने बंद कर दिया है, बस अभी लाइट बंद करने की देरी है। बाकी बंद किया ना नीलम? हाँ। हम लोग ने कल रात को ओला स्केड्यूल किया था 3:45 का, और चार बजने के लिए अभी 5 मिनट बाकी है, तो ओला अभी आ रहा है 2 मिनट में, तो अभी हम लोग निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। और ओला वाले ने अगर कैंसिल कर दिया तो हम लोग की वाट लग जाएगी, फिर से ओला न्यू स्केड्यूल करनी पड़ेगी। और आजकल ओला कैब ड्राइवर डायरेक्ट कैंसिल कर देते, तो हम लोग को नहीं चाहिए कि हमारा भी ट्रिप कैंसिल कर दे। गाइज, अभी वेब चेक इन तो हो गया और ड्यूटी फ्री से अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। सो मैं अभी मेकअप सेक्शन में हूँ। खजाना ही खजाना है, बट ऐसा दिल मार के मुझे खर्चा नहीं करना, अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। सो गाइज, हमने हमारा लगेज चेक इन कर लिया, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अभी हम लोग खाने के लिए कहाँ जा रुके थे, बट उससे पहले आप लोगों को बता दें हम जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हबीबी, कम टू दुबई। और वी आर गोइंग दुबई गाइज, we are going Dubai guys after 2 years. I'm so excited for this trip. मतलब हमारा third international trip. और यश और मैं अकेले जा रहे हैं पहली बार अकेले ही जा रहे हैं ना। जापान भी तो जापान में तो हमारे साथ टीम थी ना, वो तो उधर टीम थी ना, उधर तो टीम मिल गई थी। अभी हम लोग अकेले जा रहे हैं, और मुझे दुबई यश के साथ अकेले जाना था, बिकॉज दुबई इज दुबई यार। 2 साल पहले हम लोग की लास्ट ट्रिप थी दुबई, और कोविड खत्म होने के बाद फिर से हमारी फर्स्ट ट्रिप है दुबई। हाँ, अभी हम लोग को लगी बहुत सारी भूख, और यहाँ पे सब कुछ पीछे ना कॉफी के शॉप है, ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉफी की स्मेल आ रही है ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरे पेट में गुड़गुड़ तो कब से हो रही थी, कैब में बैठी तब से। सो हम लोग कल रोहन ने बोला कि तुम लोग के पास एक बैंक का कार्ड है, तो वो कहना तो तुम लोग को लॉन्च में फ्री एक्सेस है फूड का। सो हम लोग वही ढूंढ रहे कहाँ पे है, किसी को पूछना पड़ेगा। हम लोग ने रिसेंटली एक नए बैंक में बैंक अकाउंट खुलाया था, उसका कुछ तो फायदा हुआ। yes. हमारे बैंक अकाउंट पे ऑफर था कुछ, हम लोग को फ्री का खाना मिलेगा। ये लॉन्च के लिए सिर्फ हम लोग ने 2 रुपए पे किए, या सिर्फ 2 रुपीज में अनलिमिटेड फूड, जो भी तुमको खाना है कुछ भी खा सकते हो। 2 दिन से खाना नहीं खाना चाहिए था, मुझे भूखे रहना चाहिए था। सब बोला कि कितनी भुक्कड़ है नीलम। तो नाश्ता तो सारा ले लिया हम लोग ने, बट मैं स्पून लेना ही भूल गई, तो यश अभी स्पून और कॉफी लेके आ रहा है। वैसे अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आ गए, हम लोग को टाइम मिल गया सब कुछ करने का, शॉपिंग करने का, खाना खाने का। अभी भी 1 घंटा है हम लोग को फ्लाइट के लिए। हमारा खाना खा के हो गया मस्त वाला, और मस्त वाले रील बनाए। नीलम ने एकदम फोर्स किया, चल यश रील बना, रील बना। गुस्सा कर रहा था मेरे पे, रील नहीं। मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, नीलम इतना रील बना रही कि ब्लॉग साइड में रह रहे। अभी हम लोग का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, तो अभी फटक से निकलते हैं, सीधा दुबई में मिलते हैं, क्योंकि मुझे सोना यार, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं मिली है। हम लोग का ड्राइवर इतना हेवी ड्राइवर था कि पूछो। एक्चुअली 2 घंटा या 2.5 घंटा बता रहा था ना एक्चुअली, और उसने 1 आवर 50 मिनट्स में पहले पहुंचा दिया, वो अच्छी बात थी। बट अभी सोऊंगा मैं फ्लाइट में पूरा टाइम। नीलम तू डरी नहीं, ये बार प्रैक्टिस हो गई ना अभी तुझे। पहुंच गए, और नीलम ये धूप देख के ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी होने वाली है। कितनी भी गर्मी हो यश, मैं सह लूंगी, मैं हर चीज सह लूंगी। क्यों? ठीक है, हबीबी कम टू दुबई। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे दुबई, तभी फेब में आए थे, फेब एंड में आए थे, और तभी मस्त ठंडी थी, दुबई की गर्मी हम लोग ने फील नहीं की, तो ये बार फुल गर्मी में। अभी हम लोग सिम कार्ड लेने के लिए रुके हैं। यहाँ पे एक सिम कार्ड हम लोग को फ्री मिला है, बट उसमें 1 GB है फॉर 24 आवर्स ओनली। इसके अंदर हम लोग को टॉप अप करना पड़ा, तो नीलम ने एक ये लिया और मैंने एक ये लिया, तो दोनों में नए सिम कार्ड्स डाल दिए, ताकि दुबई में अच्छे से सब कुछ नेट अच्छे से चला पाए हम लोग। अभी हम लोग ने सिम कार्ड ले लिया, और एक बहुत ही बड़ा नहीं, मतलब ऐसे एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया हम लोग के साथ, तो जो भी हुआ है मैं थोड़े टाइम में आपको बताऊंगा, फुर्सत में जब होटल में पहुंच जाऊंगा। हम लोग ने सलाद और सैंडविच लिया है, जो कि यहाँ पे पैक कर दिया है। तो अभी जो वहाँ से नाश्ता लिया था, हम लोग सोच रहे गरम कर लेते हैं, तो कैब में खा भी लेंगे।
एयरपोर्ट के बाहर आते ही इजीली हम लोग को टैक्सी मिल गई। पहले हम लोग सोच रहे थे कि मेट्रो से चले जाएंगे, बट हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि मेट्रो से हमारे होटल तक कैसे पहुंचना है। तो हम लोग ने सोचा कि इतना लगेज तो पहले ट्रिप हम लोग टैक्सी से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि मेट्रो से कैसे जाना है। और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी एयरपोर्ट पहुंच के, तो मैं लेके फटाक से अभी खाना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। खा नहीं सकते, खाना अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है। मैंने तो बैठे खाना स्टार्ट कर दिया था, बट भैया ने बोला कैब में खाना अलाउड नहीं है, इनको फाइन लगेगा, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है कैब में। सो मैंने फटाक से मुँह पोछ के अंदर रख दिया। एक्चुअली अभी हम लोग बहुत थक गए हैं क्योंकि सोए नहीं है पूरी रात। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं है फ्लाइट में। नीलम तो भी ट्राई कर रही थी कि चलो मैं सो जाती हूँ, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऐसे बीच बीच में सो रही थी नीलम, बट मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं है। एक ही बार आई खाली 10 मिनट के लिए, और जब भी मैं उठा तो ऐसा लगा अबे मैं फ्लाइट में क्या करूँ, ऐसा लगा मुझे एकदम एक सेकंड के लिए। बस उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। आज ही चेक इन किया, अभी जस्ट है या अभी जस्ट है गाइस, अपने यूट्यूब की दुबई तक पहचान है, सब जानते हमें। ऐसे ही था ना लास्ट टाइम भी। अभी हम लोग नीचे रिसेप्शन पे थे, तो रिसेप्शन पे दो इंडियंस थे, तो दोनों ने हम लोग को पहचान लिया। या सर नीलो, या दे वर सो स्वीट। और उन्होंने हमारा अकाउंट खोल के बाद यही हो रहा है, हम लोग मास्क में तो हम लोग पहचान नहीं पाए। तो हम लोग ने 48th फ्लोर पे हम लोग का रूम लिया है, और अर्ली चेक इन भी मिल गया। वैसे 3 बजे का चेक इन होता है, बट अभी 1 बज गया, तो 1 बजे हम चेक इन भी मिल गया। तो ये अच्छी बात हुई, और हम लोग अभी रूम के बाहर ही खड़े हैं, आपको रूम टूर दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया रूम है। आर यू रेडी? तो ये है हमारा रूम, जो कि ये बनने वाला है मेरा मेकअप वैनिटी। वाओ, अपने जैसा ही है ना। ये रूम है, स्पेस छोटा है लेकिन काफी स्पेशियस है और अच्छा है। यस, बालकनी लास्ट में। ओके, और ये है वॉशरूम जो कि बहुत अच्छा है, और ये बाथटब व्यू के साथ, और ये है सबसे बेस्ट पार्ट बालकनी उसका, और ये व्यू, ये व्यू देखो। बालकनी भी बहुत बड़ा है। खुलता कैसे है वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। टूट ना जाएगा ये। अरे यार, अपन लॉक में खोल रहे थे, अनलॉक में ऐसा था। अच्छा, और ये है सुंदर सा व्यू। यश, ओ माय गॉड, यश पूरा दुबई दिख रहा है यहाँ से, बुर्ज खलीफा छोड़ के। बुर्ज खलीफा शायद ये इसके पीछे वाले साइड पे, बट ये बहुत ही मस्त व्यू है। 48th फ्लोर पे हमारा रूम है अभी। आई एम सो हैप्पी वी आर इन दुबई यार। सो गाइज, ये रूम टूर और ये रूम और ये व्यू कैसा लगा आपको जरूर बताना कमेंट्स में। सो वी हैव पार्टनर्ड विद कायक फॉर दिस अमेजिंग स्टे इन दुबई। सो कायक क्या है आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो कायक एक ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एकदम चीपेस्ट और अच्छे रेट में फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, और कार भी रेंट कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस था, हम लोग ने बहुत एंड टाइम पे डिसाइड किया कि चलो दुबई जाते हैं यश तेरे बर्थडे पे, और इससे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को कुछ नहीं मिला था। और कायक पे आपको हमेशा बेस्ट डील मिलेगी। सो अभी आपको पता है आपको नेक्स्ट वेकेशन के लिए कहाँ से बुक करना है, कायक से। और कायक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने दे दिया है। सो जल्दी से जाके ऐप डाउनलोड करो, फटाफट बुकिंग स्टार्ट करो। नीलम, भूख लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है, थोड़ा खाना लेके आ जा। वहाँ पे हम लोग ने गरम किया बट कोई फायदा नहीं, उसको 2 घंटा हो गया अभी ठंडा ही खाना पड़ेगा, यहाँ पे तो ओवन है नहीं। और खाते खाते मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में एयरपोर्ट पे हुआ क्या और हम लोग इतना डर क्यों गए। निकालू, जम रहा है कि नहीं? नहीं जमता है। देख वैसे भी ये 3 उंगली ही तेरे यूज होती है ना, तो ये 3 उंगली छोड़ के ये 2 उंगली पे कर देने का नेल्स, तो ये 3 उंगली काम आएगी ना। तो गाइस, जैसे हम लोग ने दुबई में एंटर किया, उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि मुंबई से जो भी लोग आए राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड पे आ जाओ। तो हम लोग को पता नहीं क्यों राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड पे आ जाओ, देखा तो वहाँ पे कोविड टेस्टिंग एरिया ऐसा लिखा था, जो कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ा था ऐसा नहीं होता, कोविड टेस्ट आरटीपीसीआर तुम लोग अगर लेके आओगे तो तुम्हारा नहीं होता। और हम लोग एक दिन पहले ही करवा के लेके आए थे, तो मैं बोली कि अरे यार इधर भी कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वैसे तो पहले रूल था दुबई में, मतलब थोड़े दिन पहले ही बोला गया था, तो दुबई में एंटर करोगे तो आपको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री दे दी जाती है। बट हम लोग जैसे ही आ गए तो वहाँ पे हम लोग का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, टेस्ट तो हो गया क्लियर, वो तो 2 मिनट का काम था और फ्री में हुआ, पैसे नहीं लिए गए, अच्छी बात है, नहीं तो इंडिया में 4-5 हजार लेते थे। यहाँ पे कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं थी हम लोग को, यहाँ पे फ्री हो गया। उसका टेस्ट रिपोर्ट भी मिलने वाला है कि नहीं वो भी पता नहीं हम लोग को। जैसे हम लोग ने आरटीपीसीआर किया उसके बाद आगे गए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद मेरा पासपोर्ट लिया गया, मतलब उन्होंने बोला कि आपका पासपोर्ट दिखाओ ऐसे रूटीन चेकअप के लिए।
तो पासपोर्ट मैंने जैसे दिखाया, उन लोगों ने पूछा कि क्या करते हो, ऐसा वैसा। मैंने बोला कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो बोले ओके ठीक है, तो बोले साइड में आ जाओ। मैं बोला साइड में, आगे निकल गई। बोले यश कहाँ गया, यश तो है ही नहीं पीछे। फिर देखो तो इसको साइड में ले लिया, इसको सब चेक कर रहे, एक एक कोना कोना बैग से निकाल रहे, इसका वॉलेट पूरा खोल दिया। और मैं डर गई, मेरी हार्ट बीट फास्ट। मेरे लिए क्या हो गया ऐसा? मेरी भी हार्ट बीट फास्ट हो गई, क्योंकि किसी को नहीं रोका, खाली मुझे ही रोका। और एक एक चीज, मतलब मेरे छोटा बैग, मेरा ये बड़ा वाला सैक, छोटा वाला ट्रॉली, सब कुछ पूरा खोल के, एक एक जिप खोल के सब कुछ चेक किया उन लोग ने। गुंडा है। और उन लोग पूछ रहे थे, मतलब मेरे पास च्युइंगम से, तो उन लोग पूछ रहे थे आप स्मोक करते हो क्या। 3-4 बार पूछा, पता नहीं क्यों वही पूछ रहे थे बार बार कि आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक। मैं बोला नहीं करता हूं भाई। मैंने उसको बोला यूट्यूबर हूं। तो उसके बाद जैसे उसने कैमरा देखा, गोप्रो का सेटअप देखा, लैपटॉप देखा, फिर उसने बोला ठीक है जाओ। ऐसे ही रूटीन चेकअप था हमारा, ऐसे ही बोला। तो हम लोग की तो हार्ट बीट इतने फास्ट हो गई थी, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे पकड़े गए थे नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसे हम लोग को रुकाया था। तो थोड़े डर गए थे, पकड़ने जैसा कुछ था नहीं हम लोग के पास। तो बस यही बताना था कि ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है। ये क्या चीज, इतना बड़ा चीज नीलम ने ये लिया है। इसको क्या बोलते हैं नीलम? क्या आज का हम लोग का प्लान था कि दुबई एक्सपो जाएंगे। एक्चुअली कल का दुबई एक्सपो का हम लोग ने टिकट बुक किया था, बट जो फिनाले पास है वो कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग के पास टाइम था दुबई एक्सपो जाने के लिए। हम लोग ने सोचा तो था कि दुबई एक्सपो जाएंगे, बट इतने थक गए हैं ना, ऐसा लग रहा है थोड़ी नींद की जरूरत है हम लोग को। बट सोएंगे नहीं, नीलम तो सोने देगी नहीं। तो हम लोग खाएंगे और थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे और फिर दुबई एक्सपो के लिए निकलेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो आज ग्लोबल विलेज जाएंगे, नहीं तो आज दुबई एक्सपो में पूरा टाइम जाएगा। और कल का पूरा दिन दुबई एक्सपो में, हम लोग एक दिन काफी नहीं होता दुबई एक्सपो में, तो 2-3 दिन लग जाते। वैसे भी कल लास्ट डे है, 31 मार्च को दुबई एक्सपो खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मैं नहीं ले सकती गाइस। कितना क्यूट लिख के, ये पूरा चॉकलेट है, ये देख, ये केक है या चॉकलेट है? वाओ सही है। और ये फ्रूट बास्केट, और ये चॉकलेट्स, और ये शैंपेन टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे। यस बर्थडे, अर्ली बर्थडे सेलिब्रेशन। 10 मिनट्स लेटर। उठ चल जल्दी, नीलम मेरे पे नाम डाल दिया। हाँ 5 मिनट सोया मैं, इतनी नींद आ रही थी, खाली 5 मिनट सोया। उसमें नीलम ने 10 चीजें मेरे को सुनाई। दुबई आया है तू, डिमोटिवेट कर रहा है मुझे, दुबई सोने आया है, और खुद सो गई। अब मैं तुझे उठा रहा हूँ 10 मिनट से के उठ और चेंज कर, तो वो नहीं सुन रही। अब मैं सो गई। हाँ खुद को सोना था तो मेरे ऊपर नाम, मेरे ऊपर मेरे पे नाम डाला फिर तूने, यश तूने, तू सोया इसीलिए मैं सो गई। तो अभी उठना, मैं बोल रहा हूँ उठ, जा कपड़े चेंज कर, जाने का है। उठ नीलम, नीलम खुद को सोना है, मेरे पे नाम डाल के सो गई। खुद सोने का तो अच्छे से बोल, मैं भी सोता हूँ नहीं तो उठ जा 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 जा। चलो मैंने तो फुल ऑर्गेनाइज कर ली मेरी सारी चीजें निकाल के। ऑर्गेनाइज करके क्या, दुबई थोड़ी घूम के होएगा। सिर्फ मेरे को ले रहती ना, शक्ल दिखा जरा। हाँ खुद लेटा पड़ा है यहाँ पे। चल तो मैं भी उठ गई। नीलम का लुक है बीच लुक। बीच लुक ये नहीं है, मैं नीचे स्कर्ट पहनूंगी बट बीच पे जाके। काइंड ऑफ बीच लुक, सेमी बीच लुक। वैसे हम लोग का प्लान था पहले एक्सपो जाने का, बट यश को इतनी नींद आ रही थी कि वो सो गया। फिर अभी क्या ही करे, मुझे सबसे ज्यादा कौन था यार इन दुबई। हाँ यार गाल पूरा लाल कर दिया। नीलम सबसे ज्यादा सोई थी, मैं उससे कम सोया, बट नीलम बाद में उठ गया और फिर मैं ज्यादा सो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जुमेरा बीच, तो जो कि वो लोग स्पेशली हमारे लिए कार बुक की है। कार नहीं, बस बुक, बस बुक की है। बस तो यहाँ पे आ चुकी है बट बस का ड्राइवर पता नहीं कहाँ पे। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट में शायद निकल जाएगी। हम लोग अभी बीच पहुंच गए और यहाँ की वाइब्स पूरी अलग ही है। मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा अभी कि मैं दुबई में हूँ, ऐसा मैं कोई अलग दूसरे फॉरेन कंट्री में हूँ। बहुत सही वाइब्स है और बहुत सही बीच है। ये पाम जुमेरा है और इसके सामने का व्यू। थोड़ा दोपहर में आ सकते थे नीलम, नेक्स्ट टाइम। अभी और 6 दिन है अपन, नेक्स्ट टाइम और दोपहर में आते, थोड़ा और मजा उठाते है ये बीच का। कंप्लीट सनसेट हो चुका है अभी, अभी पूरा अंधेरा हो जाएगा। रात को ये और भी अच्छा दिखने वाला है एक्चुअली, इतनी प्यारी जगह है ना, बट अभी पूरा सनसेट हो चुका है। हम लोग को थोड़ा लाइट में उसका लुफ्त उठाना है। तो हम लोग फिर से आएंगे अभी ये 6 दिनों में, एक बार फिर से आएंगे, दोपहर में आएंगे और शाम तक रहेंगे। और ये बीच का एक्सेस हम लोग को फ्री है, जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ से हम लोग को बस मिलता है यहाँ तक आने के लिए फ्री।
तो हम लोग को बीच का भी एक्सेस फ्री है, तो कभी भी आ सकते हैं। बीच वॉक कितने टाइम बात कर रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ा वॉक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। यहीं पे रुके या 7 बजे की बस है फिर से रिटर्न जाने के लिए? 7 बज के गए नीला, नहीं एक्चुअली है 7 बजे, देखते हैं क्या करना है। सही मौके पर पहुंचे, 7 बजे बीच बंद हो जाता है, तो हम लोग ने सोचा कि बस पकड़ के चले जाते हैं होटल और फिर देखते हैं डिनर कहाँ पे करना है। और बस बीच ऑलमोस्ट चली गई थी, हम लोग हर पक के बस को रुकाया। हम लोग अभी रूम पे आए थे चेंज करने के लिए, अभी सोच रहे हैं कि नीचे जाके राउंड मारते हैं, पूरा चल के एक्सप्लोर करते हैं और कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलता है क्या देखते हैं, वहाँ पे हम लोग आज डिनर करेंगे। बट ढूंढना पड़ेगा और ये वाले एरिया में थोड़े कम रेस्टोरेंट्स हैं, बट हम लोग देख लेंगे। अभी आपको रात का व्यू बताता हूँ यहाँ से। संभाल के चल, मजा आता है ना रात को वॉक करने दूसरी कंट्री में कुछ अलग फीलिंग होती है। ये पीछे जो देख रहे हो आप, यही हमारा होटल है। और ये भी देख लेना, यहाँ पे सिर्फ ऐसी ही गाड़ियाँ दिखाई देगी, नॉर्मल गाड़ियों का नॉर्मल गाड़ियों का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, खाली सुपर कार्स जो इंडिया में मुश्किल से देखने मिलती है वो यहाँ पे एक एक सेकंड पे देखने मिलेगी। हमारा रूम वहाँ कहाँ पे तो है, 40th फ्लोर पे। सो गाइज, इस बार हम लोग ने सोचा था कि हम लोग ज्यादा क्लबिंग यहाँ वहाँ बाहर इतना नहीं घूमेंगे, अपन सिर्फ चिल करने जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग घूमे थे और मेन जो दुबई है जहाँ पे बुर्ज खलीफा है और दुबई मॉल है वो बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से। वहाँ पे भी रहेंगे बट लास्ट के 2-3 दिन रहेंगे वहाँ पे, सो हम लोग ने वो वाला एरिया भी नहीं चूज किया, हम लोग ने थोड़ा दूर ही चूज किया क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोर करना था, चिल करना था, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना था, तो इसलिए हम लोग ने ये वाला एरिया चूज किया। चलो भाई जल्दी ग्रीन करो, बार बार मत लिखा है। इतना दूसरे कंट्री में कहाँ कहाँ से चले वो भी डर डर के करना पड़ता है, कोई रूल्स ना तोड़ दे। देखो यहाँ पे रेड है, रुके, वी कैन गो। नहीं बेबी ऐसा नहीं है, देख अभी उड़ा देता तेरे को है ना, उड़ जाती ना अभी तू। इतना तो बेसिक है, इतना तो सबको मालूम है नीलो, अपन इंडिया में फॉलो नहीं करते। अभी कोई नहीं आएगा अपने। हमारा मील आ गया है एंड हियर इज द पिज्जा। ओ वाओ, अच्छा हुआ मीडियम मंगाया है, मीडियम इनफ है अपने लिए। सो गाइस, बैक होम, और जो ये मास्क है उसको इग्नोर करना क्योंकि अभी मैंने धोखे सुखा दिए है और इसने एक ही मास्क लाया। ये ऐसा कभी नहीं करता, पता नहीं तूने ऐसा क्यों किया यश। और हम लोग ने एक मास्क का पूरा बंडल लिया था, वो भी हम लोग कार में ही भूल गए। ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही था। ये हमारे दुबई सीरीज का पहला वीडियो है और बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाले हैं, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आगे के वीडियोस भी देख लेना। अभी तो हम लोग ने दुबई एक्सप्लोर करना शुरू भी नहीं किया है, अब तक बहुत कुछ देखना और आपको दिखाना बाकी है। मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि मेरे साथ साथ तुम लोग भी घूम रहे हो, मतलब तुम लोग भी रियल एक्सपीरियंस कर रहे हो हर चीज का। हम लोग वैसे करने वाले ये पूरा दुबई ट्रिप, और वैसे ही करते हैं हम लोग, कितना भी ट्रिप किया है हम लोग ने पहले। तो आपको ये दुबई सीरीज देखने बहुत मजा आने वाला है फॉर श्योर, तो सारे वीडियोस देखना और ये वीडियो को लाइक कर दो, 7000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, फिर हम लोग गिव अवे का विनर चूज करेंगे ये वीडियो से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जल्दी से 1 मिलियन कंप्लीट कर दो। और मुझे एक चीज बोलनी है, हम लोग आज बीच भी गए थे ना, तो वहाँ पे भी हम लोग को 2-3 जन मिले, अपने देश के लोग हर जगह है इंडियंस, और इतना मजा आता है उनके साथ बात करने के लिए। मतलब मैं दुबई में आई हूँ, मुझे कोई इंडियन मिल गया, कोई मुंबई का मिल गया, तो मैं एकदम कैसे कनेक्ट कर पाती हूँ, तो वैसे वो लोग भी हम लोग को देखते तो वैसे ही तुरंत वो लोग भी कनेक्ट कर पाते कि अरे ये लोगों को तो मैं ब्लॉग्स में देखता था, ऐसे देखता था। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं बाहर आई हूँ, ऐसा लग रहा है अपने ही लोग हैं आजू बाजू में सब। तो आज के लिए बस इतना ही, आ रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। Oh,